हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी गोधाम में करीब 70 गायों की मौत हो गई और करीब 30 गाय घायल हुई। घायल गायों का उपचार किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम का मानना है कि फूड पॉइजनिंग के कारण गौशाला की गायें, बछड़े और बैलों की मौत हुई है। सभी गायों के मुंह, कान, आंखों और नाक से खून निकल रहा था। पशु चिकित्सक टीम द्वारा मौके से गायों को दिए जाने वाले चारे के सैंपल व मृत गायों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही पशु चिकित्सक व प्रशासनिक अधिकारी CCTV फुटेज खंगालने में भी जुटे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कल शाम को इन्हें खाने में क्या दिया गया था और खाना किसने दिया था। डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग के कारण इनकी मौत होना लग रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी टीम द्वारा गायों को दिए जाने वाले चारे और मृत गायों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि घायल गायों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत में सुधार है। काबिले गौर है कि माता मनसा देवी का धाम में कुल 7 शेड बने हुए हैं, जिनमें से 2 शेड में गायों की मौत का मामला सामने आया है। अन्य 5 शेड की गायें सुरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 70 गायों की मौत मामले को बेहद दुखद हादसा बताते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं जिला अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने पुष्टि करते हुए बताया कि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक नई एडवाइजरी बनाकर सभी गौशालाओं को जारी की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो। वो ये चाहते हैं कि हम अपने खुद हाथ से डाल करके आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्ती से रोक करने लगाने की आवश्यकता है और जो भी मटेरियल या जो भी सामान बाहर से आता है उसको चेक करने के बाद ही गाय के अंदर जो है वो चारे के लिए डाला जाना चाहिए। दुखद घटना जो है वो माता मनसा देवी गोधाम के अंदर यहाँ देखने को मिली है और जिसके अंदर लगभग 70 हमारा गौवंश जो है वो उनकी मृत्यु हुई है और 30 के करीब अभी उपचाराधीन। मैंने देखा है कि यहाँ वैसे तो इस गौशाला की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसके क्या कारण है, क्यों ये ऐसी चीज़ देखने में आई है। रात को लगभग 9:15 बजे इस घटना की जानकारी यहाँ गौशाला के मैनेजर को मिली और उसने तुरंत जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट बॉडी के मेंबर हैं, उनको इन्फॉर्म किया और रात को 10 बजे ही डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर गायों की देखभाल के लिए यहाँ पहुँच गई और पूरी रात वो टीम जो है गायों के उपचार के लिए वो लगी रही। लेकिन उसके बावजूद भी हम 70 जो ऐसे गौवंश हैं उनको बचा पाने में असफल हुए हैं। बहुत सारी गायें जो हैं इलाज के बाद खड़ी हो गई हैं, ठीक हो गई। सर, आपने जैसे दौरा भी किया है जहाँ पे हुआ और पूरे अधिकारी जो है वो भी आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं आपने पूरी रिपोर्ट जो है वो भी ली है, कहीं फॉल्ट प्ले आपको लगता है? ये देखिए, अभी हमने एक 3 सदस्यीय इंक्वायरी की टीम जो है वो बनाई है, जो हमारी HRD की जो CEO है ऋषोर सिंगल जी के नेतृत्व में और उसके असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस श्री राजकुमार जी और डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, ये 3 लोगों की टीम हमने बनाई है जो इस मामले की सारी जानकारी लेकर के शुरू से आखिर तक हमने इनकी रिपोर्ट जो है हिसार भी भेजी है, इनका जो पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है और पूरी जांच के बाद ही कोई चीज निष्कर्ष पर हम पहुंचे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.